आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ जो दिया हुआ बेल का आइकन है उसको भी प्रेस करके ऑल का बटन प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 714, 714, और जो चैप्टर है हमारे पास वो है 17, उसकी सेकंड वीडियो है, और जो टॉपिक है हमारे पास वो है ऑटो स्टॉप अतिवाद कमर्शाले। ऑटो स्टॉप बोलते हैं कि लिफ्ट लेने को, ठीक है, जब अगर कोई गाड़ी आपकी ख़राब है या कोई वजह और दूसरी गाड़ियों से आप लिफ्ट लेते हैं तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। अतिवाद कमर्शाले मतलब कोई कमर्शियल एक्टिविटी, ठीक है। सोचता एक इम्पेगियो पार्किंग करना या फिर कैंप वगैरह लगाना सो ऑटो स्ट्रादे मोटरवे पर इस्त्रादे एक्स्ट्रा अरबाने प्रिंसिपाले या फिर हाईवे वगैरह पर। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस पेज में आज डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है हमारे पास, सुले करी जाते सड़क पर, सुले रैंप पे, रैंप वगैरह पर, सुले स्विंग कोलो या जो जंक्शंस होते हैं, ठीक है, जंक्शंस होते हैं जहाँ पर एक पॉइंट आता है जहाँ से रोड कहीं और चली जाती है, ठीक है, या किसी और तरफ किसी और शहर की तरफ मुड़ जाती है हाईवे पे या मोटर वे वगैरह पर, उसको जंक्शंस बोलते हैं। सुले आर यदि सर्विसियो या जो सर्विस एरिया वगैरह होते हैं, जैसे पेट्रोल पम्प्स हो गए, होटल्स हो गए, या इस किस्म की जो एरियाज होते हैं ओदि परकेजो या फिर पार्किंग, ए इन ओनी अल्ट्रा परतेंजा या फिर कोई भी इस तरह की जगह ऑटोस्ट्रदाले मोटरवे पर ए वैता तो मना है, रिके देरे मांगना या कहना, ओ कंसीडेरे या फिर देना पसाजी लिफ्ट। तो कहता है कि मोटरवे या हाईवे पर ये सारी चीज़ें जो है आपको मना है, लिफ्ट वगैरह आप नहीं ले सकते या आपको अलाउ नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है कि ट्रैफिक वगैरह में खलल पैदा होता है। तो मोटरवे और हाईवे किस तरह की जगह होती है कि जहाँ पर स्पीड के साथ गाड़ियाँ जाती हैं फ्लो में। दूसरा सवाल है हमारे पास, नीले आर यदि सर्विसियो जो सर्विस एरिया है पेट्रोल पम्प होटल्स या इस किस्म की जो भी छोटी मोटी साइटों पर जगह बनी होती हैं ओदि पर के जो या फिर जो पार्किंग है दिले ऑटोस्ट्रादे मोटरवे पर ए इन ओनी अल्ट्रा परतेंजा या फिर कोई भी दूसरी जगह ऑटोस्ट्रादाले मोटरवे की ए पॉसिबली मुमकिन है स्वल जेरे अतिवाता कमर्शाले, वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है, मतलब कि आप कोई टक शॉप डाल सकते हैं या कोई भी होटल रेस्टोरेंट या कोई भी कमर्शियल इस टाइप की जगह हो सकती है। सोलो सिर्फ सी ओतिराज जाते अगर तो आपको इजाज़त मिली हुई है या आपने ली हुई है दल एंते प्रोप्रेटारियो दल स्ट्रादा, एंते प्रोप्रेटारियो बोलते हैं मालिक को, ऑनर को, जो रोड का ऑनर है या जिसके पास वो जो मोटरवे है उस एरिए की, जिसके पास पावर है, जिसके पास सारे जो हैं अथॉरिटीज़ हैं, कह रहा है अगर तो आपने उससे इजाज़त ली है, उसने आपको जगह प्रोवाइड की है, तब आप वहाँ पर कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हो, कोई टक शॉप कुछ भी इस टाइप का खोल सकते हो, अदरवाइज खुद से नहीं आप कर सकते। तीसरा सवाल है, सुले करी जाते सड़क पर, सुले रैंप पे, रैंप के ऊपर, सुले स्विंग कोलो जंक्शंस जो है वहाँ पर, सुले आर यदि सर्विसियो या जो सर्विस एरिए हैं ओदि पर के जो या फिर पार्किंग ए इन ओनी अल्ट्रा पर तेंजा या कोई भी इस किस्म की जगह ऑटोस्ट्रादाले मोटरवे पर एक कंसेंटी तो इजाज़त है कैंपिजेर या कि आप कैंपिंग कर सकते हैं, कैंप वगैरह लगा सकते हैं। सोलो सिर्फ नले आ रही है उस जगह पर एक चाव दस्तनाती ए पर इल प्रीतियो स्टेबिलातो जो कि बनी हुई है सिर्फ इसी मकसद के लिए या फिर उस टाइम के लिए दल अंते प्रोप्रेटारियो जो ऑनर है जो मालिक है दल स्ट्रादा सड़क का। कहता है कि आप ऑटोस्ट्रादा वगैरह पर उसके जंक्शंस पे आसपास जगहों पे कैंपिंग कर सकते हैं लेकिन सिर्फ उस जगह पर जो कि आपको अथॉरिटी दी गई है जो रोड का ऑनर है या जिसके पास अथॉरिटी है जो के मतलब जाहिर सी बात है ये जॉब्स होती हैं ठीक है गवर्नमेंट जिसको अथोराइज कर दे कि भाई ये जगह आपने संभालनी है आपके जो है अथॉरिटी में है ये तो फिर जो है कह रहा है उसकी इजाज़त के मुताबिक जो जगह उसने असाइन की है वहाँ आप कैंपिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है नले आर यदि सर्विसियो जो सर्विस एरिया है दले ऑटोस्ट्रादा मोटरवे पर इल कॉन्दुचेंते ड्राइवर नॉन देवे ला शार एन सोस्ता
गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते इल वीकुलो गाड़ी को पर प्यू दी 24 ओरे। कह रहे कि 24 घंटे से ज़्यादा जो सर्विस एरियाज हैं जैसे रेस्टोरेंट होटल्स या वट एवर जो भी इस तरह की जगह हैं 24 घंटे से ज़्यादा आप अपनी गाड़ी वहाँ पर नहीं छोड़ सकते। बाकी जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं आप प्लीज़ खुद ही पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें कुछ भी इतना टेक्निकल मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। पेज नंबर है 715 और जो टॉपिक है वो है परके जो पार्किंग सु ऑटोस्ट्रादे मोटरवे पर स्ट्रादे एक्सट्राबाने प्रिंसिपाले या फिर हाईवे पर एलोरो परतेंजा या जो इर्द गिर्द के एरियाज हैं उसके वहाँ पर, ठीक है, उसके बारे में एक ही सवाल है हमारे पास। इन ऑटोस्ट्रादा मोटरवे पर इल ट्राइनो दी व्हीकलो व्हीकली इन अवारिया, कह रहे कोई ख़राब गाड़ी उसको खींचना सु करी जाता सड़क पर राम पे रैम्प्स पर स्विंग कोलो जंक्शंस पर एरिया दी सर्विजियो या जो सर्विस एरिया है वहाँ पर ओ दी परकेजो या फिर पार्किंग में एक कंसेंटी तो इजाज़त है सोलो सिर्फ ए व्हीकली उन गाड़ियों को दिस कोर्सो ऑथरिजाती जो कि मदद के लिए ही बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये सवाल वेरो है। देखिए होता क्या है कि अगर कोई गाड़ी मोटरवे या हाईवे पर ख़राब हो गई है तो जो आम गाड़ी है उसको इजाज़त नहीं है कि वो रुक के कोई रस्सी वगैरह बांध के उस गाड़ी को खींचे अपने पीछे, जैसे कि अमूमन गाड़ियाँ ख़राब होती हैं तो इसी तरह हेल्प की जाती है। तो वो कहता है कि इस पर्पज़ के लिए जो हेल्प करने की ऑथोराइज्ड गाड़ियाँ हैं, ठीक है, जहाँ पर SOS लिखा होता है टेलीफोन बूथ से आप कॉल्स वगैरह करते हैं, वो हेल्प के लिए आपको गाड़ी भेजते हैं जो कि गवर्नमेंट ने एक इदारा बनाया हुआ है या जो भी हेल्प्स के लिए आती हैं वो सिर्फ ख़राब गाड़ियों को बांध के जैसे भी उन्होंने हेल्प करनी है वो करेंगे। आप जो है नॉर्मल गाड़ियाँ ये काम नहीं कर सकती, अलाउ नहीं है। पेज नंबर है 716 और टॉपिक है नॉर्मे कानून लॉ दी चिरकुलजियोने जाने के या ड्राइव करने के सु ऑटोस्ट्रादे मोटरवे पर स्ट्रादे एक्सट्राबाने प्रिंसिपाले या फिर हाईवे पर। तो कहते हैं कि क्या कानून है, मतलब क्या लॉज हैं, क्या कानून है जिसके मुताबिक आप ड्राइव करेंगे मोटरवे या हाईवे पर, मतलब कौन कौन सी चीज़ें अलाउ है, कौन कौन सी चीज़ें आपको मना है, ये सारी चीज़ें हम इस पेज में पढ़ेंगे। सुले करी जाते सड़क पर सुले राम पे रैम्प वगैरह पर ए सुले स्विंग कोलो दी ऑटोस्ट्रादे या फिर जो जंक्शंस हैं और मोटरवे पर स्ट्रादे एक्सट्राबाने प्रिंसिपाले या फिर हाईवे पर ए वही ता तो मना है इनवर तीरे इल सेंसो दी मार्चा, आप जो है यू टर्न नहीं ले सकते, ठीक है, ए अतरावर सारे लो स्पार्टा ट्रैफिको। स्पार्टा ट्रैफिको आपको पता है दो रोड्स को जो अलग करती है उसको स्पार्टा ट्रैफिको कहते हैं। रोड के दरमियान में एक पट्टी सी बनी होती है जिसके ऊपर अक्सर पौधे लगे होते हैं, अगर नहीं भी लगे होते तो ब्लॉक्स लगे होते हैं, उसको स्पार्टा ट्रैफिको बोलते हैं जो कि एक सड़क को दूसरे से अलग करते हैं। तो कहते हैं कि आप वो जो स्पार्टा ट्रैफिको है उसको क्रॉस नहीं कर सकते। अंग के अलल तेज आदि वारकी, वारकी बोलते हैं डोर्स वगैरह को। तो बाज अब क्या होता है कि अगर कोई जगह खुली हुई है, ठीक है, उसको बंद करने के लिए उन्होंने दरवाज़े लिखा हुआ है लेकिन दरवाजे होते नहीं है, इस किस्म के कोई प्लास्टिक के वो लगाई होती है चीज़ें, तो कह रहे हैं उसको भी फलांगे या उसको क्रॉस करके आप यू टर्न नहीं ले सकते, ठीक है। नॉर्मली आप जो है सीधा जा रहे तो आप सीधा ही जाते रहोगे जब तक कोई प्रॉपर जंक्शन कोई प्रॉपर प्लेस नहीं आती। दूसरा सवाल है सुले करी जाते सड़क पर सुले राम पे रैम्प्स पर ए सुले स्विंग कोलो या जो जंक्शंस वगैरह हैं दी ऑटोस्ट्रादे मोटरवे के स्ट्रादे एक्सट्राबाने प्रिंसिपाले या फिर हाईवे पर ए वही ता तो मना है पर कुर्रे ला करी जाता ओ पार दे दी ऐसा नल सेंसो दी मार्चा अपोज तो एक्वेल कंसेंटीतो। इसमें भी वो तकरीबन वही बात कर रहा है, कह रहा है कि आप जो है ऑपोजिट रुख में नहीं जा सकते, मतलब कि अगर आप सीधे जा रहे हो, ठीक है, और वो रोड है ही सीधा जाने का तो आप जो है किसी और डायरेक्शन में नहीं जा सकते। ऑब्वियसली वो तो अगर यहाँ पर कोई अर्बन रोड है कोई शहर के अंदर भी रोड्स हैं तब भी आप अब ज़ाहिर ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा सकते, अगर वो जिस तरफ उसका रास्ता है जाने का तो वो वहीं पर ही जाएंगे। तो इसी तरह जो है मोटरवे और हाईवे पर भी आप गलत डायरेक्शन नहीं ले सकते। तीसरा सवाल है सुले करी जाते सड़क पर सुले राम पे
जो रैंप है इस वाले स्विंग को लो, या जो जंक्शन हैं दी ऑटोस्ट्राद एस्ट्राद एक्सट्रा अर्बाने प्रिंसिपाले मोटरवे के या फिर हाईवे के, ए वही ता तो मना है एफी त्वारे ल रित्रो मार्चा। रित्रो मार्चा वही यू टर्न को बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि आपको यू टर्न लेने की इजाज़त नहीं है, आप जो है अपनी डायरेक्शन नहीं बदल सकते। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए कंसन ती तो इजाज़त है चिरकुलार ए सुले कोर्सी है पर ला सोचता दी एमरजेंसा। कह रहा है कि जो एमरजेंसी लेन बनी होती है मोटरवे या हाईवे पर, आप उस पर चल सकते हैं। दिले ऑटोस्ट्रादे एस्ट्राडे एक्सरबाने प्रिंसिपाले मोटरवे या हाईवे पर अरस्तार सी आप रुक सकते हैं, पर अवारिया दल वीकुलो, अवारिया बोलते हैं ख़राब को। अगर तो आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है तो जो इमरजेंसी लेन है आप वहाँ पर अपनी गाड़ी को रोक सकते हैं। ऑब्वियसली वो जो लेन है इमरजेंसी वो बनी ही इस पर्पज़ के लिए कि अगर गाड़ी ख़राब है और आपने किसी को कॉल की है कि आपकी हेल्प के लिए आए, तो आप अपनी गाड़ी को वहाँ पर रोक सकते हैं जब तक आपकी हेल्प के लिए कोई नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुले कोर्सी है पर ला सोचता दी एमरजेंसा। कह रहा जो एमरजेंसी लेन है दिले ऑटोस्ट्राडे ए वही ता तो एफी त्वारे ला रित्रो मार्चा। कह रहे कि आप जो है एमरजेंसी लेन पे भी जाके जो है आप यू टर्न वगैरह नहीं ले सकते। तो ये सवाल भी वेरो है, चाहे इमरजेंसी लेन है चाहे नॉर्मल लेन है, कहीं भी आप जो है वो यू टर्न वगैरह नहीं ले सकते जब तक एक प्रॉपर जगह ना आ जाए। पेज नंबर है 717 और टॉपिक है हमारे पास उजो दी प्रोइतोरी अनभिग्लियांते। अनभिग्लियांते बोलते हैं जो गाड़ी की फ्रंट लाइट्स होती हैं, जो लो बीम होती हैं, जो थोड़ी हल्की होती हैं हेडलाइट्स, उसकी बात कर रहे हैं कि उसके इस्तेमाल करने का क्या रूल है मोटरवे और एक्स्ट्रा अर्बन जो हाईवे वगैरह है उस पर क्या रूल रेगुलेशन है। इसके भी दो ही सवाल है, पढ़ लेते हैं। ड्यूरांते ला मार्चा सुले ऑटोस्ट्राडे एस्ट्राडे एक्स्ट्रा अर्बाने प्रिंसिपाले। कह रहे जो आप ड्राइव कर रहे होते हैं हाईवे या मोटरवे पर, ए ऑब्लिगेटोरियो लाजिम है, ज़रूरी है उजो आप इस्तेमाल करें दी प्रोइतोरी अनभिग्लियांते, जो लाइट बीम की लाइट बीम जो होती हैं लाइट्स, ठीक है, जो डल होती हैं हेडलाइट्स आंके दी जोरनो दिन के वक्त भी। तो कह रहा है अगर आप हाईवे या मोटरवे पे ड्राइव करें तो ये आप पर लाजिम है कि आपने जो आपकी हेडलाइट्स हैं लो बीम वाली हल्की रोशनी वाली वो ऑन रहें, ठीक है, बेशक दिन है, दिन में भी आपने ऑन रखनी है, तो ये जो है आप पर लाजिम है। दूसरा सवाल है, दुरांते ला मार्चा सुले ऑटोस्ट्राडे एस्ट्राडे एक्स्ट्रा अर्बाने प्रिंसिपाले। कह रहा है जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं मोटरवे या हाईवे पर, उजो दी प्रोइतोरी अनभिग्लियांते, जो लो बीम हेडलाइट्स हैं तो फैकल्टेटिवा जो है वो ऑप्शनल है, मतलब अगर आपका दिल करे तो ऑन करें, दिल करे तो ना करें। इन कंडीशनों दी परफेक्टा विजिबिलिटा, अगर तो आपको ठीक तरह से नज़र आ रहा है दिन है रोशनी है, तो ये सवाल जो है ये गलत है क्योंकि ऑप्शनल नहीं है। अगर आप मोटरवे पे हैं बेशक दिन है बेशक रोशनी अच्छी है दिखाई अच्छा दे रहा है, लेकिन आपने अपनी गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं जो लो वाली हैं हल्की लाइट वाली वो ऑन रखनी है, तो ये सवाल गलत है क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि ऑप्शनल है, मतलब आपकी मर्जी है, दिल करे तो ऑन करें दिल करे तो ना करें। अब है जी पेज नंबर हमारे पास 718 718, टॉपिक है हमारे पास सोचता दी एमरजेंसा सुले ऑटोस्ट्राडा। जो मोटरवे पर एमरजेंसी लेन होती है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उसके क्या रूल रेगुलेशन है, कौन कौन सी गाड़ियाँ या किस किस्म की सिचुएशन में आप वहाँ पर गाड़ी को रोक सकते हैं और कब कब आप नहीं रोक सकते या कितने घंटों के लिए आप रोक सकते हैं। पहला सवाल है, सुले करी जाते सड़क पर सुले रैंप पे, जो रैंप्स हैं ए सुले स्विंग को लो या फिर जो जंक्शन है दले ऑटोस्ट्राडे मोटरवे के, एक कंसन ती तो इजाज़त है सो स्टारे आप पार्किंग कर सकते हैं सोलो सिर्फ इन सिचुएशन ए दी एमरजेंसा, सिर्फ एमरजेंसी में दोते ए माला सेरे, अगर आप बीमार हैं दल कोंदू चैनते, अगर ड्राइवर बीमार हो गया है और दी पैसेंजरी या जो पैसेंजर हैं जो आम लोग बैठे हुए हैं गाड़ी में या उनकी तबीयत किसी की ख़राब हो गई है और पुररे इन एफिशेंसा दल वीकलो, या फिर अगर गाड़ी ख़राब है
तो इन दो सिचुएशंस में आप जो है गाड़ी को रोक सकते हैं इमरजेंसी में, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मली आप और किसी चीज़ के लिए नहीं रोक सकते। क्वेश्चन नंबर टू है, सुले करी जाते सड़क पर, सुले राम पे रैम पर, ए सुले स्विंग कोली या फिर जंक्शंस पर, दिले ऑटोस्ट्रादे मोटरवे के ए कंसन ती तो इजाज़त है, नल का सोदी मला सेर ए दिन पैसे जेरो, अगर तो पैसेंजर जो है जो आपने पैसेंजर्स बिठाए हुए हैं अगर वो बीमार हो गए, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, फिर मारसी सुले कोर्स या पड़ला सोचता दी एमरजेंसा, तो आप रुक सकते हैं एमरजेंसी लेन के ऊपर। जाहिर सी बात है अगर आपने किसी एम्बुलेंस को कॉल की है तब तक आपने गाड़ी साइड पे लगानी है, तो जो साइड है वो एमरजेंसी लेन होगी जहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रुकने में। क्वेश्चन नंबर थ्री है, इन कास होती मल सेर दी उन पैसे जेरो, अगर कोई पैसेंजर बीमार है दुरान तेला चिरकलजियो ने सुलह करी जाता ऑटोस्त्र डाले मोटरवे पे ड्राइव करने के दौरान, अगर कोई पैसेंजर बीमार हो गया है एक अनसन ती तो इजाज़त है, फिर मारसी रुकने की सुलह कोर्स या लेन पर परला सोचता दी एमरजेंसा, एमरजेंसी लेन पर आप रुक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, सुलह करी जाते सड़क पर सुले राम पे रैम ए स्विंग कोलो या फिर जो जंक्शंस हैं दिले ऑटोस्ट्रादे मोटरवे के ला सोस्ता दी एमरजेंसा, जो एमरजेंसी पार्किंग है, नॉन देवे सुपिरारे इल टेम्पो स्त्रीता मेंते नेसेसारियो, कह रहा है जो टाइमिंग दी हुई है जो ऑथराइज है उससे ऊपर टाइमिंग आप नहीं बढ़ाएंगे, ए नॉन देवे प्रोतारसी क्यूमन के अल त्रे त्रे ओरे, कह रहे 3 घंटे से ज़्यादा जो है आप इमरजेंसी लेन पर आप गाड़ी नहीं रोक सकते, बेशक जो मर्ज़ी है, क्योंकि जाहिर सी बात है 3 घंटे बहुत होते हैं अगर आपकी हेल्प को एम्बुलेंस आ रही है या कोई भी मसला है, गाड़ी ख़राब है, कोई भी मैकेनिक आ रहे हैं, तो 3 घंटे बहुत होते हैं आप वहाँ से फारिग हो सकते हैं, मतलब 3 घंटे से ज़्यादा आपको अलाउ ही नहीं है कि आप इमरजेंसी लेन पर गाड़ी को रोकें।